नमस्कार दोस्तों, मैं रोहन शर्मा स्वागत करता हूं सभी का आपके अपने चैनल ज्योतिषीय वास्तु में। कैसे हैं आप सभी दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं यहां पर 28th of July 2021 के बारे में। 28th July 2021 आप सभी के लिए कैसा जाने वाला है, कहां पर आप सभी को सावधानी रखनी है, क्या चीज़ें आप सभी को करनी है और क्या करने से आप सभी को बचना है, इसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही साथ हम बात करेंगे एंजल नंबर के बारे में और अचूक उपाय के बारे में, जिसको करने से आप अपने इस दिन को और भी ज़्यादा बेहतरीन बना सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले करते हैं कैलकुलेशंस की आखिर कैसा जाता है आपका दिन और क्या रहता है आपके लिए बहुत खास। 28th of July 2021 पहला नंबर जो हमारे पास आता है वो आता है 8+2 नंबर 10, नंबर 1 हमारे पास आता है। कंबाइंड कैलकुलेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पर नंबर आता है नंबर 4। नंबर 4 जो है वो राहु का नंबर है, नंबर 1 जो है वो सूर्य का नंबर है और दिन जो रहेगा आपका वो बुधवार का दिन रहने वाला है, वेडनेसडे का दिन। सबसे पहले यहाँ पर आप सभी से कहूँगा, वो सभी लोग जो बिजनेस करते हैं, जो बड़ी बड़ी डील करते हैं, जो पैसों में खेलते हैं, उन सभी के लिए ये जो दिन रहेगा ये काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव वाला दिन यहाँ पर रहने वाला है। यहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में कोई भी काम नहीं करना है, जितना हो सके आराम से और पेशेंस रख के काम करेंगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा, जितना जल्दबाजी में काम करने की कोशिश करेंगे उतना आपको नुकसान यहाँ पर मिल सकता है। साथ ही साथ आप सभी को क्या करना है, कोई भी डील साइन करने से पहले, कोई भी बड़ा डिसीजन लेने से पहले दो बार सोचिएगा, आराम से सोच समझ के डिसीजन लेने की कोशिश करिएगा। इंपल्सिव होके जल्दबाजी में बिना सोचे बिना समझे कोई भी डील ऐसे साइन मत कर दीजिएगा जिसके कारण से बाद में आपको नुकसान उठाना पड़े। तो इसीलिए कम से कम दो बार डिसीजन लें, दो बार सोचें, किसी की मदद लें, किसी से डिस्कस करें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा तो ठीक रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो पारिवारिक वातावरण भी आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छा रहेगा, उसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर नहीं दिखाई देती, आराम से घर का माहौल आपका अच्छा रहेगा और साथ ही साथ अगर रिलेशनशिप्स में कोई उतार चढ़ाव आ रहे थे वो यहाँ पर थोड़े से ठीक रहेंगे। बट हाँ, देर इज़ अ चांस कि माहौल कहीं भी कहीं ना कहीं बिगड़ सकता है, किसी भी तरह से माहौल में एक गर्माहट आ सकती है, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा मैनेज करके चलना पड़ेगा ताकि ऐसी कोई भी दिक्कत कोई भी परेशानी आपके रिलेशनशिप्स को ख़राब ना करे, इस बात का ध्यान रखिएगा। मतलब कि छोटी सी भी बात या छोटा सा भी आर्ग्यूमेंट एक बड़ा बवाल मचा सकता है, तो आपको पहले ही संभल जाना है ताकि ऐसी कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ पर ना हो। इसके अलावा हेल्थ में आज सभी को थोड़ा सा ध्यान रखना ही रखना है, खासकर अपर बॉडी पार्ट पे दिक्कतें ज़्यादा रहेंगी, परेशानियाँ ज़्यादा रहेंगी, जैसे कि आँखों में दिक्कतें कहीं ना कहीं थोड़ी सी ज़्यादा आ सकती है, आई पेन महसूस हो सकता है, थोड़ा सा वीकनेस, थोड़ा सा लेजीनेस महसूस हो सकती है, दिमाग में कहीं ना कहीं स्ट्रेन आ सकता है, लाइक एक तरह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस कहते हैं, हेडेक कह सकते हैं इसको आप, जो कि आपको परेशान कर सकता है। तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ओवर स्ट्रेस बिल्कुल भी नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। इसके अलावा बाकी पूरा दिन शानदार रहेगा, कहीं कोई ज़्यादा दिक्कत कहीं कोई ज़्यादा परेशानी आपको नहीं रहेगी और साथ ही साथ आप बहुत अच्छे से इस दिन को निकाल देंगे। दिन का फर्स्ट हाफ जो रहेगा वो थोड़ा सा अप डाउन वाला रहेगा, सेकेंड हाफ विल बी काइंड ऑफ बैलेंसिंग हाफ, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे आपकी बैलेंस हो जाएगी। तो पहला हाफ आपको आराम से निकालना है, दूसरा हाफ आपका बहुत अच्छे से निकल जाएगा एंड आपको ज़्यादा दिक्कत ज़्यादा परेशानियाँ महसूस नहीं होगी। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं आने वाला समय देश और दुनिया के लिए कैसा जाएगा। तो ये जो दिन रहेगा ये देश और दुनिया में भी काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन मचाने वाला है, काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें परेशानियां यहाँ पर पैदा करने वाला है, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। मतलब कि ये जो दिन रहेगा ये कहीं ना कहीं अनस्टेबिलिटी पैदा करता है, ऐसे चांसेस यहाँ पर क्लियरली दिखाई देते हैं। उम्मीद करता हूँ कि इस दिन में देश और दुनिया में कोई बड़ा नुकसान ना हो, बट हाँ कोई बड़ा एक कहीं ना कहीं आंदोलन काइंड ऑफ कह दीजिए, कोई आर्ग्यूमेंट्स कह दीजिए, कोई बड़ा बवाल कह दीजिए, कुछ तो बड़ा होने वाला है, ऐसे चांसेस यहाँ पर ज़रूर दिखाई देते हैं। शेयर मार्केट में फ्लक्चुएशन रहेगा, मार्केट कुड बी अप एंड डाउन इन दिस पर्टिकुलर डे, तो यहाँ पर आप सभी को बहुत ज़्यादा सावधानी यहाँ पर रखनी है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर राशियों के आधार पर अगर देखा जाए तो मेष राशि, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, सिंह राशि और साथ ही साथ यहाँ पर मीन राशि, आप सभी के लिए दिन समय अच्छा रहेगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए नंबर्स में अगर हम देखें तो नंबर 2, नंबर 3, नंबर 7, नंबर 8 आप सभी के लिए दिन शानदार जाएगा, कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी। अल्फाबेट्स में अगर हम बात करें लेटर्स की यहाँ पर, तो लेटर्स में बी, डी, ई, जे, के, एस, एन, एल, लास्ट है आपका वाई, आप सभी के लिए अच्छा जाएगा, कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं होगी।
चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर अचूक उपाय के बारे में, वैदिक रेमेडीज के बारे में, जिसको करने से आपका दिन और भी ज़्यादा अच्छा जाएगा और कहीं कोई दिक्कत कोई परेशानी आपको नहीं हो पाएगी। देखिए अचूक उपाय में अगर सबसे पहले हम बात करें तो उपाय में आपको क्या करना है, आप नोट कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट उपाय बता रहा हूँ जो कि आपके लिए मनी रिलेटेड इश्यूज़ के लिए, रिलेशनशिप्स के लिए बहुत ज़्यादा कारगर होने वाला है। आपको क्या करना है, आपको एक इलायची लेनी है और एक इलायची को पूरे दिन अपने पास रखना है, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। एंड स्पेशली अगर आप किसी के साथ अपना काम करवा रहे हैं, किसी के साथ अपनी कोई डील साइन कर रहे हैं, तो दैट टाइम ये इलायची आप खा लीजिएगा और उसके बाद आप डील साइन करिएगा, आप काम करिएगा, जो भी इम्पॉर्टेंट काम हो वो करिएगा, तो वो आपके लिए ठीक रहेगा। पूरे दिन एक इलायची आपको अपने साथ रखनी ही रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। शाम को उस इलायची को क्या करना है, तो शाम को आप चाहें तो उस इलायची को खा भी सकते हैं और उस इलायची को किसी पौधे के पास भी रख सकते हैं, चॉइस इज योर्स, दोनों में ही कोई नुकसान कोई परेशानी यहाँ पर नहीं होगी। बाहर जाते हैं किसी काम के लिए तो ग्रीन कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आप ब्लू कलर का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, आपको वाइट कलर अवॉइड करना है, येलो कलर भी आप नहीं पहनेंगे तो भी चलेगा, बट ग्रीन आप आज पहन सकते हैं, काइंड ऑफ दिस डार्क ग्रीन आप आराम से वेयर कर सकते हैं, जिसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। या फिर ग्रीन कलर का कुछ अपने साथ में रखें, प्रॉस्पेरिटी के लिए आपको कहीं ना कहीं फ़ायदा देगा और आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस होगा। इसके अलावा यहाँ पर देखा जाए तो जो भी दिन में आपका समय जाएगा, कभी कभार ऐसा होगा कि मन बड़ा फ्लक्चुएट सा कर रहा है, मन बड़ा अशांत सा हो रहा है, उस केस में आपको क्या करना है, उस केस में आपको विष्णु सहस्त्रनाम का एक पाठ आता है, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ चला के आप बैठ जाइए और रिलैक्स रहिए। माइग्रेन हो रहा है, स्ट्रेन हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, आंखें दर्द कर रही है, तो ये पाठ आप चला के सुन लीजिए, आपको काफ़ी ज़्यादा राहत यहाँ पर देखने को मिलेगी। चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पर एंजल नंबर्स के बारे में, वैदिक नंबर के बारे में, जिसको करने से आप अपने दिन को और भी ज़्यादा अच्छा यहाँ पर बना सकते हैं। अब कैसे और किस तरह से इस नंबर को इस्तेमाल करना है वो भी मैं बता देता हूँ आपको। आपको सबसे पहले तो आप नंबर नोट कर लीजिए कि नंबर आखिर क्या है। नंबर है यहाँ पर 2473, बहुत ही आसान नंबर है, बहुत ही सिंपल नंबर है। और इस नंबर को आपको क्या करना है, इस नंबर को आपको अपने राइट हैंड के पीछे की तरफ लिखना है। जी हाँ, राइट हैंड के पीछे की तरफ लिखेंगे ताकि जब भी आप कोई भी काम करें ये नंबर आपकी आंखों के सामने दिखता रहे। और राइट हैंड के पीछे की तरफ जब आप ये नंबर लिखेंगे तो आप किसी भी कलर के पेन का इस्तेमाल कर सकते हैं, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। ये नंबर आपको लिखना है और आपको रिकॉल करना है, और क्योंकि हम राइट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं इसीलिए वी विल राइट इट बिहाइंड द राइट हैंड। वो सभी लोग जो लेफ्टी हैं या वो लेफ्ट हैंड से ज़्यादा काम करते हैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लेफ्ट हैंड के पीछे लिखिएगा, आप राइट हैंड के पीछे मत लिखिएगा। और अगर रिलेशनशिप में कोई दिक्कत आती है, कोई परेशानी आती है, या लव वन से पैचअप करना चाहते हैं तो आप उन्हें भी ये नंबर भेज सकते हैं, और इस नंबर के साथ बहुत अच्छी कुछ विशेष, कुछ इमोजीज, कुछ अच्छी चीज़ें आप मैसेजेस भेज सकते हैं। सो इट विल हेल्प यू टू मेक द अंडरस्टैंडिंग बिटवीन बोथ ऑफ यू, और कहीं ना कहीं चीज़ें आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल यहाँ पर जाते हुए दिखाई देगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि ये दिन आपके लिए शानदार जाएगा और आपको किसी भी तरह से कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी और आप अच्छे से इस दिन को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे। चलिए उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगेगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर ज़रूर से क्लिक करिएगा। इसके अलावा अगर आप उनसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, कुछ भी जानना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूँगा आप सभी की हर संभव मदद यहाँ पर कर सकूँ। धन्यवाद।